दोस्तों सितंबर खत्म हो गया और उसके साथ ही जितने भी बड़े स्मार्टफोन अनाउंसमेंट्स थे वो सारे हमें मिल चुके हैं। हमें ROG फ़ोन 2 मिल गया, हमें वन प्लस के तीनों फ़ोन मिल गए हैं, हमें एप्पल के तीनों फ़ोन मिल गए हैं, तीनों आईफोन्स मिल गए हैं। और अगर आप इस साल कोई स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे थे और अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा तो शायद आप गूगल के स्मार्टफोन अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे। गूगल के पिक्सल 4 और 4 XL अनाउंस करने वाला है गूगल। अक्टूबर 15 को एक लॉन्च इवेंट है मेड बाय गूगल का, वहाँ पे वो दो फोन्स अनाउंस करने की उम्मीद है और शायद कुछ और भी प्रोडक्ट्स उनके साथ अनाउंस होंगे। और आज के इस वीडियो में, क्योंकि ये दोनों फोन्स बहुत ही ज़्यादा, पिक्सल 4 और 4 XL पिछले कुछ महीनों में बहुत ही ज़्यादा लीक हो चुके हैं और हमें लगभग सब कुछ पता है इन फोन्स के बारे में, तो आज के वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे कि क्या पता है हमें पिक्सल 4 और 4 XL के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीक आचार्य और आज बात करेंगे पिक्सल 4 4 XL की। दोस्तों अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं, सबसे पहले हार्डवेयर की बात करूं तो हमें जो चीज़ें पता है वो है कि ये स्नैपड्रैगन 855 सीरीज़ के चिपसेट के साथ आएगा। इसमें स्क्रीन, जो छोटा वाला फ़ोन होगा उसमें स्क्रीन का साइज़ होगा 5.8 के आसपास, बड़े वाले में 6.2 इंच की स्क्रीन होगी और छोटा वाला 1080p रेजोल्यूशन फुल HD रेजोल्यूशन में होगा, बड़ा वाला 2K रेजोल्यूशन 1440p रेजोल्यूशन में होगा। इसके साथ ही दोनों ही स्क्रीन AMOLED होंगी, दोनों ही फास्ट रिफ्रेश रेट वाली होंगी, मतलब 90Hz का रिफ्रेश रेट होगा। तो जैसा कि OnePlus के फ़ोन्स में हमने पास में देखा है, हमने Razer फ़ोन में देखा है, हमने ROG फ़ोन्स में देखा है कि लोग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं फास्ट स्क्रीन से, तो 90Hz की स्क्रीन इज़ अ वेलकम चेंज। और साथ ही 19:9 एस्पेक्ट रेशियो, मतलब फ़ोन थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा पतला होगा तो ग्रिप करना आसान होगा, तो ये स्क्रीन के फीचर्स हैं। और SoC कुछ खास नया नहीं है, SoC हमने स्नैपड्रैगन 855 प्लस पे भी फ़ोन्स देख लिए हैं, तो स्नैपड्रैगन 855 उतना कुछ ज़्यादा खास नया है नहीं। वैसे इस साल का बेस्ट SoC है, पर क्योंकि गूगल आखिरी फ़ोन होगा, गूगल का जो पिक्सल 4 होगा वो आखिरी फ़ोन होगा स्नैपड्रैगन 855 पे, और कुछ ही दिनों बाद फिर स्नैपड्रैगन की नई सीरीज़ आ जाएगी, तो उतना कुछ खास इंटरेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में है नहीं। 6GB की रैम होगी दोनों ही फ़ोन्स में और इतना ही है हार्डवेयर में जो भी है। जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जितने भी लीक्स अभी तक आए हैं उनमें से किसी में भी फिंगरप्रिंट सेंसर का जिक्र नहीं किया है, ना ही बैक में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर का जिक्र है, ना ही किसी अंडर स्क्रीन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का जिक्र है। जहाँ तक हमें पता है वहाँ पे एक लीक में जो टॉप का जो इसका फोरहेड है वहाँ पे जो सेंसर्स के एरे दिखाए हैं वहाँ पे देख के पता चलता है कि इसमें फेस आईडी होगा, बेसिकली एप्पल के फेस आईडी जैसा कुछ, फेस रिकॉग्निशन जैसा चीज़ होगा। और अगर आप एप्पल के फेस आईडी यूजर्स से भी पूछे तो वो लोग भी कभी कभी चाहते हैं कि काश एक फिंगरप्रिंट सेंसर होता, या तो स्क्रीन के अंदर होता या फिर फ़ोन के पीछे ही होता या कहीं पर भी होता। फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी कन्वीनियंट होता है क्योंकि फेस आईडी यूज़ करने के लिए आपको फ़ोन को बिल्कुल अपने चेहरे के सामने लाना होता है और कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता, जैसे आप ड्राइव कर रहे हो या फिर टेबल पर फ़ोन रखा हुआ है नोटिफिकेशन चेक करने, तो या तो आप फ़ोन के ऊपर एकदम चढ़ जाओ तब वो आपका फेस रिकॉग्नाइज कर पाएगा, या फिर ड्राइव करते वक्त अपना फ़ोन एकदम मुंह के सामने ले आओ ताकि आपको बाकी कुछ दिखे ही ना। तो इस तरह फेस आईडी कभी कभी इनकन्वीनियंट होता है, इसलिए लोग चाहते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर हो। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो गूगल इंट्रोड्यूस करेगा इसके साथ, पिक्सल 4 के साथ। साथ ही यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ गूगल इस बार दे रहा है वो है सोली रेडार। बेसिकली ये एक रेडार है जो 60Hz की फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी। अगर आपने मेरा 5G वाला वीडियो देखा हो तो मैंने 5G वाले वीडियो में बात की थी कि 5G कैसे 20GHz के रेंज पे काम करेगा, 4 से 20GHz की रेंज पे। अगर ये 50 to 60GHz की रेंज पे काम कर रहा है सोली, तो मुझे बैटरी कंजम्पशन का भी थोड़ा डाउट है क्योंकि बैटरी इन दोनों फ़ोन्स में काफ़ी मीडियोकर है। 2800 mAh की बैटरी है छोटे वाले में और बड़े वाले में 3700 mAh की, तो बैटरी काफ़ी कंजर्वेटिव, हमेशा गूगल कंजर्वेटिव ही रखता है। हालांकि हमने 6000 mAh के भी फ़ोन्स देख लिए, ROG फ़ोन में आया है, सैमसंग का भी एक M30 फ़ोन था उसमें भी आया है, तो बड़ी बैटरी यार किसी को, सबको पसंद है, किसी को भी नहीं काटती, तो बड़ी बैटरी देनी चाहिए थी, पर बैटरी हालांकि यहाँ पे कम है। और जो रेडार का इम्प्लीमेंटेशन है, अगर ये ऑलवेज ऑन रेडार है तो मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे अगर ऑपरेट कर रहे तो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। हालांकि इससे जो सोली के जो फ़ायदे होंगे वो ये हैं कि आपको एयर जेस्चर जैसी चीज़ मिल जाएगी। अगर आपने सैमसंग के पुराने फ़ोन्स यूज़ किए हो तो उनमें एयर जेस्चर हुआ करता था कि आपने फ़ोन के ऊपर स्वाइप कर दिया तो स्क्रीनशॉट ले लिया ऐसा कुछ, तो या फिर आपने अगर LG G8 देखा हो तो भी आपको एयर जेस्चर के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा कि आपने हाथ से, आपको स्क्रीन टच भी नहीं करनी, आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर ही अपने हाथ से कुछ कुछ जेस्चर्स करने और अकॉर्डिंगली फ़ोन रिकॉग्नाइज कर लेगा कि क्या एक्शन लेना है, फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है, क्या करना है। तो ये एक मेजर हार्डवेयर चेंज है जो हमें पिक्सल 4 के अंदर देखने को मिलेगा।
अब हार्डवेयर में कुछ खास है नहीं है, जैसा कि हमें पता है कि गूगल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और ज़्यादातर जो फोकस होता है गूगल का वो सॉफ्टवेयर में ही कुछ इम्प्रूवमेंट करके देने का होता है। तो सॉफ्टवेयर में आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे पिक्सल 4 के अंदर। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पिक्सल्स में होती है कैमरा। कैमरा यहाँ पे आईफोन से बेहतर है कैमरा का बम्प, मैं कहना चाहूँगा। और इन जनरल कैमरा है कि नहीं है ये नहीं पता। तो अगर आपने आईफोन देखा हो तो उसमें एक स्क्वायर बम्प है, फिर उसके अंदर उस स्क्वायर बम्प के अंदर अलग अलग कैमरास के अपने अपने बम्प्स हैं सर्कुलर। तो वैसा बम्प नहीं दिया यहाँ पे, यहाँ पे एक स्क्वायर है बस, उसके अंदर ही कैमरास हैं, उस कोई अलग से उठे हुए कैमरा के सेंसर्स नहीं दिखेंगे आपको। तो ये एक वेलकम डिज़ाइन चेंज है, ये काफ़ी अच्छा है, आईफोन से तो बहुत ही अच्छा है। पर यहाँ पे हमें जो सेंसर मिल रहे हैं वो सिर्फ दो ही सेंसर मिल रहे हैं, और शायद एक रेगुलर सेंसर है और दूसरा टेलीफोटो सेंसर है। हालांकि अगर एक वाइड एंगल सेंसर होता तो मुझे काफ़ी काफ़ी सुकून मिल जाता, क्योंकि वाइड एंगल मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। मैं G7 भी जो यूज़ करता हूँ वो इसीलिए मैंने लिया था क्योंकि इसमें वाइड एंगल सेंसर है। वाइड एंगल से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप कैप्चर कर सकते हैं बिना पीछे जाए, तो वाइड एंगल ज़्यादा अच्छा होता। पर जो यहाँ पर सेटअप है कैमराज का वो आपको मिलेगा, दो सेंसर मिलेंगे, एक प्राइमरी सेंसर होगा और एक होगा टेलीफोटो सेंसर, और कैमरा बम काफ़ी अच्छा है। तो जो मेजर चेंजेस है सॉफ्टवेयर में, कैमरा सॉफ्टवेयर के अंदर, वो है कि आपको अभी तक नाइट लाइट, आपको नाइट साइट के बारे में पता ही होगा कि नाइट साइट में गूगल की बहुत तारीफें की थी सबने कि रात में लो लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए। तो नाइट साइट में जो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा गूगल वो इस बार ये है कि नाइट साइट पहले ये होता था कि आपने क्लिक किया और फिर वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता था फ़ोन प्रोसेस करने के लिए। अभी वो जीरो शटर लैग इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि आपने फोटो क्लिक किया और तुरंत ही आपका फोटो कैप्चर हो जाए। उसके साथ ही ये जो कैमरा सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट है, मेजर इम्प्रूवमेंट वो है नाइट फोटोग्राफी में ही एक एस्ट्रोलॉजिक फोटोग्राफी मोड आ रहा है, मतलब कि तारे और चांद वगैरह की फ़ोटो अगर आपको खींचनी है तो वो भी आप ले सकते हैं इस कैमरा ऐप के ज़रिए। और इसका कैमरा का APK लीक हो गया था तो उसके कैमरा सैम्पल्स भी XDA के थ्रू अवेलेबल हो गए थे, तो जो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ तो सैम्पल्स देख के तो काफ़ी सही लग रहा है एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड। और देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट में कैसा लगता है, क्योंकि ये तो फिर भी टेस्ट वर्जन था, किसी और फ़ोन में इन्होंने APK को यूज़ करके फोटोज़ क्लिक करके देखें, एक्चुअल सेंसर में एक्चुअल कैमरा ऐप के अंदर जो गूगल रिलीज़ करेगा वो कितना अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि ये रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और साथ में एक और चीज़, अगर आपने फ़ोटो बूथ का नाम सुना हो, बेसिकली आप फ्रंट कैमरा से फ़ोटोज़ ले सकते थे कई सारे, और उसमें कई सारे फ़ोटोज़ लेता था, सबसिक्वेंट फ़ोटोज़ लेता था, एक सीक्वेंस में 4-5-6 फोटोज़ लेता था फ्रंट कैमरा। उसमें जो चेंजेस हैं वो AR स्टिकर्स को फोटो बूथ के साथ मिला दिया गया है, मतलब बेसिकली जो अगर आपने AR स्टिकर्स यूज़ किया हो तो वो कैमरा में जो भी चीज़ आपको सीन दिख रहा है उसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे डायनासोर, फूल, पत्ते वगैरह, जैसे अगर आपने ये अपना स्नैपचैट वगैरह यूज़ किया हो या फिर कोई भी ऐसा कैमरा ऐप जिससे आपके अपने फेस के ऊपर आप कलाकारियाँ कर सकते हैं, जीप बड़ी कर ली, चश्मा लगा लिया, तो इस तरह की AR स्टिकर्स भी इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। तो ये चेंजेस आपको कैमरा में देखने को मिलेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। अब सोली की बात जो मैंने की थी, सोली सॉफ्टवेयर में जो इंप्लीमेंट कर सोली को जिस तरह से ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, वो फिलहाल कंट्री रेस्ट्रिक्शन है उसमें, फिलहाल 23 कंट्री में अवेलेबल होगा सोली। ये एक अजीब चीज़ है जो गूगल करता है, जैसे उन्होंने इससे पहले जब एंड्रॉयड 9 आया था तो उस वक्त पिक्सल के अंदर एक्सक्लूसिव फीचर आया था कि आप फ़ोन अगर कहीं पे करते हो उसको ट्रांसक्रिप्शन कर उसको आपका असिस्टेंट बात कर सकता है किसी अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए, जैसे किसी रेस्टोरेंट में अपॉइंटमेंट लेना है तो उसके लिए असिस्टेंट बात कर लेगा और बाद में आपको ट्रांसक्रिप्शन दे देगा उसका। पर ये फीचर लिमिटेड था सिर्फ US के लिए। वैसे ही सोली का फीचर भी, जो जेस्चर का फीचर है, वो भी लिमिटेड है कंट्रीज़ में, रीजन्स में, और इंडिया अभी जो प्राइमरी लिस्ट लीक हुई है उसमें नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि ये इंडियन कंज्यूमर्स के लिए कैसा है। और सॉफ्टवेयर में जो आपको मेजर चेंजेस मिलेंगे वो एंड्रॉयड 10 में जितनी भी चीज़ें हैं, वो एंड्रॉयड 10 पहली बार ऑफिशियली किसी नई डिवाइस में अगर आ रहा है पिक्सल डिवाइस में तो बेसिकली ये पिक्सल 4 ही होगा, क्योंकि एंड्रॉयड 10 के बाद लॉन्च होने वाली अकेली डिवाइस पिक्सल 4 ही है। तो एंड्रॉयड 10 के अंदर आपको जितनी भी चीज़ें मिल रही थी वो सारी यहाँ पर मिलेंगी। अब ये सारी चीज़ें आपको पिक्सल 4 के साथ मिलने की उम्मीद है, ये सारी चीज़ें लीक हुई हैं अभी तक, और ये दो कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल है जैसा कि अभी तक पता है हमें, जो दो डिवाइसेस के वेरिएंट हैं, दो कलर वेरिएंट हैं। और
कुछ खास बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है नहीं इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। हार्डवेयर के टर्म्स में तो ज़रा भी एक्साइटिंग नहीं है, हार्डवेयर आपको वैसा ही मिल रहा है जैसा किसी भी नॉर्मल फ़ोन में मिलेगा। सॉफ्टवेयर के अंदर जो एक्सपीरियंस डिलीवर करने की कोशिश करेंगे उसमें भी इंडिया को एक्सक्लूड कर रखा है, तो मुझे पता नहीं कैसे इंडियन कंज्यूमर्स इसको रिएक्ट करेंगे। और दूसरा, मैं जनरली आईफोन को कवर नहीं करता हूँ, आईफोन की एप्पल की जितनी भी रिलीजेज होती हैं उनको जनरली कवर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने एप्पल की कोई भी डिवाइसेज आज तक यूज़ नहीं की हैं। मैंने नेक्सस डिवाइसेज यूज़ की हैं, इसलिए पिक्सल से मेरा एक खास लगाव है। मेरे पास नेक्सस 6 भी है जो मैं अब भी यूज़ करता हूँ कभी कभी। तो मुझे वो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो पिक्सल डिलीवर करने की कोशिश करता है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, और शायद इसीलिए जो वन प्लस की डिवाइसेज है वो लोगों को काफ़ी पसंद आई, क्योंकि नेक्सस के ही आसपास की प्राइस रेंज में वन प्लस अपनी डिवाइसेस को उतारता है, और जो उनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ऑक्सीजन ओएस वो काफ़ी क्लोज है स्टॉक एंड्रॉयड के, तो वो काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए शायद वन प्लस की डिवाइसेस लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि वो नेक्सस से ज़्यादा करीब है, और क्योंकि मुझे नेक्सस से कुछ खास लगाव है इसलिए मैं गूगल की डिवाइसेस को कवर करने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें खुद एक्सपीरियंस किया, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरे पास, इसलिए मुझे पता है कि मैं क्या राय दे सकता हूँ उनके बारे में, क्या ओपिनियन दे सकता हूँ। फाइनली जो फाइनल वर्ड है वो ये है कि अगर आपने नोटिस किया हो कि गूगल के काम करने का तरीका जो है वो कई सारी चीज़ें एक साथ रिलीज़ करते हैं, और फिर उसमें से जो चीज़ें अच्छी चल जाती हैं उनको रखते हैं और जो चीज़ें ख़राब चलती हैं उनको बंद कर देते हैं। जैसे आपने अगर नोटिस किया हो कि हैंगआउट्स उनकी एक सर्विस थी, गूगल प्लस उससे पहले एक सर्विस थी, उससे तो इस तरह की सर्विसेज जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी उनको बंद कर दिया, और जो अच्छे सोशल नेटवर्क उनके चल रहे हैं जैसे कि यूट्यूब उनको कैरी ऑन कर रहे हैं। या फिर आप देखें कि जीमेल एप्लीकेशन था उसके साथ ही एक पैरेलल एप्लीकेशन था इनबॉक्स गूगल का ही, तो इनबॉक्स को उन्होंने कुछ सालों पहले बंद कर दिया। अब इनबॉक्स की जो गुड्स अच्छी सर्विसेज थी वो गूगल के जीमेल एप्लीकेशन के अंदर आ गई। तो गूगल बेसिकली एक्सपेरिमेंट करता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर दी, उसमें से जो चीज़ें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया एक फाइनल प्रोडक्ट में और बाकी सर्विसेज को बंद कर दिया। और एप्पल क्या करता है कि वो इंतज़ार करता है कि इंडस्ट्री क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, और फिर इंतज़ार करता है कि कब वो टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री अभी यूज़ कर रही है वो मच्योर हो और कैसे उसका बेस्ट वर्जन अपनी डिवाइसेज में इंक्लूड करके दिया जाए। पर यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे कि पिक्सल 4 के अंदर आपको जेस्चर नेविगेशन मिल रहा है जो कि एंड्रॉयड ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, जो कि जो आईफोन में इंट्रोड्यूस किया था एप्पल ने आईओएस के अंदर, वो जेस्चर नेविगेशन का यूज़ कर रहा है। हालांकि जेस्चर नेविगेशन एक वेलकम चेंज है, क्योंकि इससे आपकी स्क्रीन का मतलब जो रियल एस्टेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पीछे नीचे एक बड़े से चौड़े से बार की जगह अब एक छोटा सा पेल ही होगा, तो आपको ज़्यादा स्क्रीन अपना कंटेंट देखने में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ना कि एक नेविगेशन बार। तो ये एक वेलकम चेंज है, पर ये सीधे सीधे एप्पल के इनोवेशन से उठा के लाया है, और ये बिल्कुल गूगल की तरह का नहीं है। मतलब गूगल एक्सपेरिमेंट करने में यकीन करता है और एप्पल से बोरो किया हुआ फीचर लग रहा है मुझे ये। दूसरा जो फेस आईडी का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जो फेस आईडी यूज़ करते हैं एप्पल के कस्टमर्स भी, उनको भी कभी कभी इनकन्वीनियंट लगता है फेस आईडी यूज़ करना, और कभी कभी वो लोग भी कहते हैं कि एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी होना चाहिए ऑल्टरनेट मेथड अनलॉक करने का। गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में फेस आईडी काफ़ी बरसों से चला आ रहा है, मतलब वो फ्रंट कैमरा को आप यूज़ कर सकते थे काफ़ी सालों से अपना फेस अनलॉक करने के लिए, और साथ में आपके पास फिंगरप्रिंट का ऑप्शन था। तो यहाँ पे अगर पिक्सल 4 के अंदर कोई फिंगरप्रिंट ऑप्शन नहीं है तो ये भी मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है कि सिर्फ फेस आईडी पे क्यों स्टिक कर रहा है, जो एक दर्द हमेशा से चला आ रहा है वो हेडफोन जैक का ना होना, वो भी आपको पिक्सल 4 में दिखेगा, हेडफोन जैक नहीं है यहाँ पे भी। तो ये सारी चीज़ें हैं पिक्सल 4 के अंदर, आपको स्नैपड्रैगन 855 पे मिलेगा, स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो दोनों ही फोन्स में 19:9 एस्पेक्ट रेशियो, फ़ोन काफ़ी कंफर्टेबल होगा होल्ड करने के लिए, 5.7 इंच 1080p रेजोल्यूशन पे छोटा वाला फ़ोन है, और 6.2 इंच 1440p पे बड़ा वाला फ़ोन है, और 6GB रैम है दोनों ही फोन्स में, और इतना ही कुछ है बस, कुछ खास है नहीं पिक्सल के नए अपकमिंग डिवाइसेस में। पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी एक्साइटिंग है, हालांकि इंडियंस के लिए नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो पिक्सल 4 के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, कमेंट करके वीडियो के अंदर अपनी ओपिनियंस बताइए, कोई सजेशन हो, कोई तरीका जिससे मैं वीडियो की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ वो आप मुझे बताना चाहते हो, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप फ्यूचर में वीडियो देखना चाहते हो चैनल पर वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।